मैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों इस समय हम सरवाल में हैं। कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आह्वान हुआ था कि अगर सिटी शहरों में अगर कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है या ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट होता तो 8 घंटे के अंदर उसको रिप्लेसमेंट होगी या वो ठीक किया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें अगर वहाँ पर कोई फॉल्ट आता है तो वहाँ पर 48 घंटे के अंदर या तो ट्रांसफार्मर को रिप्लेस किया जाएगा या रिपेयर किया जाएगा। क्या ये बातें सिर्फ किताबी बातें ही रह गई, सिर्फ कागजों में ही रह गई, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। एक नहीं दो दिन ही लगभग 17 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पर बिजली के बिना रह रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक तरफ गर्मी का टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं किस तरह से ये सारा गुजारा करते होंगे ये आप खुद भली भांति जान सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल फिर से यही कहेंगे कि अगर माननीय गवर्नर साहब ये ऑर्डर्स निकालते हैं, कोई भी आदेश हो चाहे किसी के बीच में हो, उन आदेशों को इम्प्लीमेंट करने में क्यों इतनी देरी करता है प्रशासन? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस समय हम यहाँ के आपको लाइव विजुअल बता रहे हैं दानिश शिफ्टम के माध्यम से। यहाँ के स्थानीय लोग आज 17 दिन के बाद मजबूर होकर इन्होंने मीडिया का सहारा लिया और आज इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात को प्रशासन तक लाने की कोशिश की। जहाँ पर एक तरफ बात करते हैं सबके साथ सबके विकास की, साथ तो मिला पर विकास किसका हुआ ये हम भी नहीं जानते। चलिए इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम? रितेश खजूरिया। नीतीश जी क्या कहना चाहेंगे 17 दिन से, एक नहीं दो दिन तीन नहीं, हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है यहाँ के, आपके कॉरपोरेटर क्या है? क्योंकि आपके नुमाइंदे वो हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी वार्ड के नहीं तो वो हैं आपके जो कॉरपोरेटर हैं। क्या नाम है आपके कॉरपोरेटर का? दिनेश गुप्ता जी। दिनेश जी तो वो कहाँ इस समय? वो मैडम जी अभी तो अब उनका हमें खुद नहीं मालूम अभी कहाँ पे हैं वो। नहीं वोट तो आपने उनको दिया था ना। वो घर पे कहाँ पे हैं वो कोई मालूम नहीं उनका, उनके लिए तो हम नहीं बोले तो ज्यादा बेटर है। पर मैं आपको बाकी ऐसे डिटेल बता नहीं बोले आप देखो ना आपके रिप्रेजेंटेटिव आपकी वार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका तो दायित्व बनता है। अगर वार्ड मेंबर्स को कोई परेशानी आती उनका कर्तव्य बनता है आपकी परेशानी को प्रशासन तक लाना। हम उनको फोन कंटिन्यू कर रहे हैं तो वो थोड़े बहुत लगे भी थे काम करने के लिए मगर उनसे जो हल है नहीं निकल रहा। इसका हल का जो मेन कारण है कि हल क्यों नहीं निकल रहा मैं उसके लिए आपको सीधे डिटेल पे जाता हूँ कि हमें फिलहाल ना ये पीडीडी जो पीडीडी डिपार्टमेंट है ये सिर्फ हमें ये लॉलीपॉप दे रहा है। आज जो हम ये निकाल रहे हैं तो ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो हमें ये लॉलीपॉप दे रहे हैं कि रोज 17 दिन से हमें कंटिन्यू लॉलीपॉप मिल रहा है। जैसे बच्चों को मिलता था छोटे थे हम आपको वो चीज़ वो टॉयज लेके देंगे आप बेटा लॉलीपॉप लो, तो वही हमें 17 दिन से मिल रहा है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं एलजी साहब से एक अपील करना चाहता हूँ कि ये जो आपने बिजली डिपार्टमेंट के लिए जो जितने भी आपने ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर लगाए लगे ये पिछले साल के हैं, आज से 30 साल से लगे हुए हैं कंटिन्यू, वो चल रहे हैं अच्छे से। जो नई केबल पड़ रही है उसको जो आपकी गेज जो है 185 की जहाँ पे पड़नी थी वहाँ पे 120 की लगाई, ये सीधे सीधी करप्शन है। इसके ऊपर मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि इसके लिए एक स्पेशल कोई अपने 8-10 बंदों की टीम बना के CBI इंक्वायरी कराएं कि किसने ये क्या किया। पोल्स की लाइट दिख रही है ना, पोल्स की लाइट ऐसे घरों की लाइट गई है। मैम घरों की नहीं गई हुई, पूरे पोल्स की, ये पूरे ट्रांसफार्मर की हर एक फेस उड़ रहा है बार बार। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये एक अभी जस्ट 10 मिनट पहले लाइट आई है और हम सभी लोगों ने यहाँ पे एक मुहिम क्या चलाई कि लोगों के घरों में जाके कि ये बोल रहे हैं कृपा करके आप AC बंद कीजिए, अगर आप AC बंद नहीं करेंगे तो हम फैन से भी जाएंगे। आज हमें ये लग रहा है कि जो डिजिटल जम्मू बनना था वो डिजिटल नहीं, वो किसी हम गाँव में और कस्बे में रह रहे हैं जहाँ पे हम 40 साल पहले कहीं गाँव में जाते थे तो हमें तब मिट्टी वाली रोड मिलती थी या कुछ मिलता था। आज हमारे आपके कॉर्पोरेटर से बात की उनका क्या जवाब था? उनका जवाब था कि हम काम करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम नहीं करेंगे। काम करते करते 17 दिन हो गए तो आगे शायद 17 दिन और लग जाए, उसके लिए मैं पक्का कुछ ही बोल नहीं सकता कि हमें सिर्फ आपको वही आपको मैं रिपीट बता रहा हूँ कि हमें कंटिन्यू एक ही चीज दी जा रहा है सिर्फ लॉलीपॉप। फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे हैं क्या उनकी बात भी झूठी है, वो सिर्फ बातें ही करना जानते हैं या उस पर अमल भी होता है? मैम सिर्फ बातें ही चल रही हैं और कुछ नहीं चल रहा। मैं आपको फिर रिपीट बोल रहा हूँ डिवकॉम को DC को एक स्पेशल इंक्वायरी के लिए लगाया जाए यहाँ पे कि ये लाइट का पंगा क्या है। ये हम जब हम लाइट वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है, आप एक बात करो जगह ढूंढो और ट्रांसफार्मर हम आपको लगा के देते हैं। मगर आप मुझे ये बताओ अगर हमने ही जगह देनी है तो फिर हम बिल किस चीज़ का दे रहे हैं? अभी हमें लग रहा है कि ये प्राइवेट बिजली कर रहे हैं, प्राइवेट केबल डाल रहे हैं, तो जैसे ही हमारी लाइट खराब होती थी लास्ट ईयर तो हम बिजली डिपार्टमेंट में जाते थे जानीपुर तो हमारा सोल्यूशन निकलता था। अब जिन जो इन्होंने प्राइवेट कर दी जो लाइट, वो जो प्राइवेट वाले बंदे हैं वो तो फ़ोन भी नहीं उठाते हमारा। हम किसको, वो बाहर से आए हैं, UP से आए हैं, कहाँ से आए हैं,
आई डोंट नो, मगर इतना मालूम 7 लाख मीटर लगने जा रहे हैं ना, मीटर जो लगने जा रहे हैं 8 रुपए यूनिट अगर आप हमें मिलेगी तो यहाँ पे आप 20-30 लड़के हैं यहाँ पे, जिनमें से 3 काम करते होंगे, बाकी सब बेरोजगार हैं। आप मुझे ये बताओ, वो जिनकी 5,000 इनकम नहीं है, वो 5,000 किराया कहाँ से देगा? और यहाँ पे जो अभी मेन फंडा ये है कि अभी हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, वो बच्चे पेपर कैसे देंगे? इंटरनेट के थ्रू ही देंगे ना, तो यहाँ पे फोन तो चार्जिंग हो नहीं रहे। यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि सिर्फ लॉलीपॉप 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 और कुछ नहीं मिल रहा हमें। और मैं गवर्नर साहब से एक बार फिर से, जिम्मेदार कौन है सर इस लॉलीपॉप का? मैं सीधे मैं क्लियर बोलूंगा तो ये एडमिनिस्ट्रेशन सारी गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन किसकी है सर? एडमिनिस्ट्रेशन मैडम आपको खुद पता है किसकी है किसकी नहीं है, आप ही तो बताइए ना सर, आप जनता है, बीजेपी की है और किसकी है? इसमें नहीं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में बीजेपी का कोई वो नहीं, मैं बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किसका है? आई मीन टू से एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब का। इस समय हम यूटी हैं और हमारे यहाँ कोई वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो एलजी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ों के लिए और एलजी शुड लुक इनटू इट, उसको देखना चाहिए इन चीज़ों के लिए कि कहाँ पे हम गलत हो रहे हैं, और अगर वो चाहें तो सब कुछ हो सकता है, सुधार हो सकता है। हाँ, तो ये गया था कि घर घर गांव 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 बिजली पहुंचेगी, ये तो शहरों का ये हाल है, शहरों का ये हाल है, ये एक बहुत ये हमारे देश की विडंबना है। मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि शहरों में लोग बोल रहे हैं कि बिजली, और वाकई हम 17 दिन से आज हम ये जूझ रहे। देखो अभी आपका लगातार लाइव दृश्य बता रहे, खुद सोचिए अभी हमें 5 मिनट भी हार्डली 5 मिनट भी यहाँ हुए नहीं आए हो, तो खुद देखिए। चलिए एक और दृश्य दिखाते हैं छोटे बच्चों का। बड़ा ही अफसोस होता है कि जब जनता जनता से वोट लिए जाते, उनसे ये वायदा किया जाता है जो मूल सुविधाएं वो दी जाएंगी, पर आज भी 21वीं सदी है पर हमारी जनता उन मूल सुविधाओं से वंचित है। कौन है इसका जिम्मेवार? ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, यानी शर्म आती है ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। एक तरफ से गवर्नर साहब कहते हैं, गवर्नर महोदय जो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है जेके यूटी के, वो ये कहते हैं भाई 8 घंटे के अंदर सिटी का ट्रांसफार्मर में अगर कोई फॉल्ट हो ये ऐसे ही चलेगा। तभी ये देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये सिंगल फेस है, ये तभी चलेगा। ये लाइट आ रही है ना, ये सिर्फ इस गली की आ रही है, अभी इस गली में जाओगे तो अंधेरा मिलेगा, इस गली में जाओगे। चलिए आगे का भी थोड़ा दिखा देते हैं अपनी जनता को। ये जो प्राइवेट जो इन्होंने बिजली की हुई है, इन्होंने टोटल अनबैलेंसिंग की हुई है। ये राइट साइड में बताना चाहेंगे गली की, ये हम कैमरामैन से कहेंगे या इस तरफ करिए घरों की। ये देखिए ये एरियाज है, रेजिडेंशियल एरियाज है, ये जो कोई फैक्ट्रीज नहीं कोई कुछ नहीं, ये रेजिडेंशियल एरिया हैं। आप देखिए पढ़ने वाले बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। ये देखिए यहाँ के भी घर दिखाएंगे आपको, ये जी जी लाइट गवर्नमेंट हम चला रहे हैं या एलजी को गवर्नमेंट चला रहे हैं, लेकिन हमें कुछ फैसिलिटी तो दें। यहाँ तक लाइट तक तो हमें दे नहीं पा रही है गवर्नमेंट, जनता टैक्स देती है, सब कुछ देती है, क्या नहीं देती है गवर्नमेंट से? कुछ भी नहीं मिल रहा है, घर में परेशान है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ पे तंग हो गए हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? जनता की बात सामने लाते हैं, जनता की गवर्नमेंट की बात नहीं सुन रहा, कौन सुनेगा? जनता की दुविधा आप लोगों ने हमें अप्रोच किया तो हम यहाँ पर है आपकी परेशानी को लाने के लिए। मीडिया तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पर हायर ऑफिशियल आना चाहिए ना कि हमारी लाइट क्यों नहीं है। साफ तौर पर कहा जाता है कि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, लास्ट 17 दिन से हम फाइट कर रहे हैं लाइट के लिए, हमें लाइट नहीं मिल रही है, छोटी सी हमारी फैसिलिटी वो नहीं हमें मिल पा रही है, तो कब मिलेगी हमें ये फैसिलिटी? बिल्कुल, बच्चे हैं पढ़ने वाले घर में, हमारे घर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक 10th में है, एक अभी छोटा है, अभी 5th 3rd क्लास में है, उनको अभी ऑनलाइन उनकी क्लासेस चल रही हैं। छोटे बच्चों को तो हॉलीडे हो गए हैं, बड़ी क्लासेस को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, दिखा दिए ताकि जो भी समय में वॉच कर रहे हैं उनको ये यकीन हो जाए कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ये घरों के अंदर मोहल्ले हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, और लगातार जब नहीं आएगी बिजली तो इन्वर्टर्स भी डाउन हो जाएंगे जी। और इतना टेम्परेचर में किस तरह से बच्चे पढ़ने वाले हैं ये देखिए। क्या कहोगे बच्चे आप, आपका नाम? गिरधर। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। कितनी परेशानी होती है जब लाइट नहीं होती, आपने पढ़ना होता, ऑनलाइन क्लासेस होती, फोन चार्ज नहीं होता, 0% लाइट आती नहीं है, यही है, लाइट आती है कभी जाती है। तो क्या कहना चाहोगे हमारे एलजी साहब से, क्योंकि एलजी साहब को जब कश्मीर की एक बच्ची ने अपनी बात मन की बात रखी थी तो पहुंच गई थी, अब जम्मू के बच्चे भी बात कर रहे हैं, देखते हैं पहुंचती है नहीं पहुंचती है। ये कहना चाहता हूँ कि लाइट जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत परेशानी है ट्रांसफॉर्म की, 17 दिन से ऐसा हो रहा है कि लाइट बंद हो रही है, कभी आ रही है, तो
ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बच्चे की भी आवाज़ सुन लीजिए, क्योंकि उस बच्चे की आवाज़ तो माननीय प्रधानमंत्री जी तक भी पहुँची है। हमारे जम्मू के बच्चे हैं, इनका भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इनके आपका दायित्व इनके लिए भी कुछ ना कुछ है, पर ध्यान दीजिए हमारे जम्मू के युवाओं के ऊपर, हमारे जम्मू के बच्चों के, हमारे जम्मू की जनता के ऊपर। चलिए सर से भी पूछते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम रोहन। क्या कहना चाहते हैं रोहन जी आप? देखिए, ऐसा है, अपर लक्ष्मी नगर सरवाल एरिया में पिछले 3 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है। लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का बिल्कुल सब 17 दिन से इन्होंने कहा कि 17 दिन से लाइट नहीं आ रही है। बहुत बड़ा फेलियर है, 3 दिन से लगातार नहीं है, 3 दिन से बिल्कुल भी लाइट नहीं है। ये जो नई वायरिंग हुई है, नई केबल्स हुई है, ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है। ये इनसे मैनेज नहीं हो रहा। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय आ रही है स्टूडेंट्स को, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं, ना उनके फ़ोन चार्ज हो पाते हैं, ना उनके लैपटॉप चार्ज हो पाते हैं। वो ऑनलाइन क्लासेस कहाँ से करेंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम कहाँ देंगे? और सबसे बड़ी बात, और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स वाले कोई राहत देते नहीं है। हम उनको कैसे समझाएं कि भाई हमारे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम आ रही है? हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि जो जैसा डिजिटल इंडिया मोदी जी कल्पना करते हैं, वैसा डिजिटल इंडिया बनाओ भी। तो स्मार्ट इंडिया का, स्मार्ट जम्मू, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, तो स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ बोर्ड लगा दिए। अब कल मोहल्ले वाले आज बाहर आए हैं, मैं मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया के माध्यम से अगर कल अगर हमारा ट्रांसफार्मर लग जाता है तो देखिए किस तरह से ये पॉलिटिशियन सब लोग इधर आएंगे और फीते काटेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे कि हमारी मदद से ये ट्रांसफार्मर लगा है। और सबसे बड़ी, और इसी प्रॉब्लम को इस टाइम देख लो, कोई भी पॉलिटिशियन यहाँ नहीं दिख रहा, सब मोहल्ले वाले यहाँ पर हैं। और कल जब ट्रांसफार्मर लगेगा, परसों लगेगा, जब भी लगेगा, हमें नहीं पता, क्रेडिट लेने दौड़ कर आ जाएंगे, फीते काटने के लिए आ जाएंगे। जनता दौड़ेगी, जनता जाएगी हर जगह, और ये लोग क्रेडिट लेने आएंगे। तो मैं मोहल्ले वालों की तरफ से अपील करता हूँ कि हमारी लाइट जल्दी से जल्दी दी जाए, ताकि जो हमारी सफरिंग हो रही है, हमारे मोहल्ले वालों को प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी खत्म की जाए। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो सिंपल सा एक ही चीज़ कहना है कि पिछले 17 दिनों से हम लोग इस पावर कट से जूझ रहे हैं। घर में बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ठीक है ना, हर किसी को आज की डेट में ये बिजली जो है एक नेसेसिटी है, ठीक है ना। एलजी साहब ने बड़े बड़े वादे किए, ट्रांसफार्मर सड़ेगा अगर रूरल एरियाज में सड़ता है तो 48 घंटे, अगर अर्बन में, सिटी में सड़ता है तो 24 घंटे के अंदर होगा। लेकिन मैं आपको 8 घंटे, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो 17 दिन हो गए। अब 17 दिनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, 17 दिनों से हम लोग जूझ रहे हैं। और सिर्फ ये मोहल्ला नहीं जूझ रहा इस समय, मेरे हिसाब से जम्मू का हर एरिया, ठीक है ना, श्रीनगर वाले भी हो सकता है जूझ रहे हो, मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम लोगों को क्लाइमेट ऐसा, वहाँ इतनी जरूरत नहीं, इतनी गर्मी है, ऊपर से कोविड का टाइम है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, औरतें मजबूर हैं घर में रहने के लिए, बिजली है नहीं है, घर के काम करने हैं, बच्चों ने पढ़ना है, ऊपर से स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज हैं, ठीक है ना। तो ये है कि एलजी साहब को सोचना चाहिए कि सिर्फ पेपर्स में स्मार्ट सिटी को अप्रूव करने से कुछ नहीं होगा, ग्राउंड रियलिटी में आना पड़ेगा, ग्राउंड में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। आप इस मोहल्ले की अगर आप रोड्स की कंडीशन देखें, नालियों की कंडीशन देखें, ठीक है ना, हर तरफ से आपको गंदगी के ढेर मिलेंगे, हर तरफ से टूटी फूटी रोडें मिलेंगी। तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब से मेरा एक ही गुजारिश है कि इस चीज़ का संज्ञान लें, पीडीडी डिपार्टमेंट इस चीज़ को सीरियसली ले, हमें मजबूर ना करें कि हम लोग रोड्स पे आके अपना धरना प्रदर्शन करें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं यही कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करें। थैंक यू। प्रधानमंत्री जी का नारा था, कहा था कि गांव-गांव बिजली पहुंचेगी, सड़कें पहुंचेगी, पर आज शहरों की हालत देख लीजिए कि बिजली से भी वंचित है शहर के लोग। चलिए सर से भी जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मैं आशीष शर्मा बोल रहा हूँ, प्रेजिडेंट ऑफ अपर लक्ष्मी नगर। तो हम भी यहाँ से पिछले 15 दिन से, जैसे सबने बताया, फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम यहाँ लाइट की। तो अब इनसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके प्रॉब्लम सॉल्व करें। इवन हमने ग्रीवियंस सेल में भी डाला है, जो एलजी गवर्नर साहब ने बनाया हुआ ग्रीवियंस सेल, और उसमें भी कोई स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसमें डाली वाली हमें 1 हफ्ता हो गया है। तो अब सबसे यही रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब भी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है JNK की, एटलीस्ट सब सीरियसली लें इस पॉइंट को और सबके प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब आपने आज MD जो के जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के जो ने जो MDM से बात की थी, गुरमीत जी से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता चोरी करती है बिजली,
तभी जनता को भी भुगतान करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जनता चोरी अगर करती है तो उन्होंने अभी जो लाइंस डाली हैं वो इसलिए इन्होंने चेंज की हैं, जो अभी हाई पावर डाली हुई हैं, ताकि जो चोरी है लाइट्स की वो ना हो। और जिन एरियाज में भी कुछ लेन जैसी है जहाँ पे इन्होंने वायर चेंज नहीं किए हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सकता है वहाँ भी से वायर चेंज करें। और उनको लगता है अभी भी चोरी हो रही है तो प्रॉपरली, हमने उनसे ये भी सवाल किया ये चोरी आपके डिपार्टमेंट के लोग भी तो एग्जैक्टली वो हो सकता है कि जो लोकल, बिल्कुल सही है आपकी, बिल्कुल सही है, जो लोकल लाइनमैन है मे बी उनको पैसे देते हैं, 500 रुपए देते हैं, जितने भी पैसे देते हैं उनके जरिए ही चोरी हो सकती है। अदरवाइज कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है नहीं है कि कोई कैसे चोरी करेगा। इवन जो बॉक्सेस लगाए हैं अगर वो घर के नियरेस्ट हैं तो हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो वहाँ पे रात के टाइम में अपने एसी की वॉइस लगा के वहाँ पे यूज करते हैं। क्या कहेंगे अब आप आम जनता से भी और हमारी खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से क्या कहेंगे? जो वायदा था 8 घंटे के अंदर सिटी का जो ट्रांसफार्मर उसकी व्यवस्था को ठीक करने का और 48 घंटे का ग्रामीण जो 8 घंटे का उन्होंने दिया था रिक्वेस्ट की अर्बन होगा, वो हमें लग नहीं रहा है कि वो जो बात कही गई थी उसमें कोई सच्चाई है और वो उसको इवन हमें लग नहीं रहा है कि हम अर्बन एरियाज में भी रह रहे हैं। इवन अब रोड की हालत देखिए, इलेक्ट्रिसिटी हाई है, जो प्रॉब्लम चल रही है लास्ट 15 डेज से ऑलमोस्ट, जो रोड भी है यहाँ की वो भी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो यहाँ तो चलने के लिए भी मुश्किल है। जो सीनियर सिटीजन भी रह रहे हैं, बच्चे भी हैं, इवन जो ट्रांसफर वगैरह वहाँ देखेंगे दैट इज नॉट प्रॉपरली कवर्ड, तो पूरा प्रॉपरली कवर भी नहीं है, तो जैसे सिक्योरिटी रिस्क ऑफ देयर लाइफ ऑल्सो जो यहाँ पे रह रहे हैं बंदे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी साहब ने मैम बोला था 8 घंटे में लाइट रिकवर होगी पर अभी तक 408 घंटे हो चुके हैं जो लाइट रिकवर नहीं हो। चलिए हमारे माध्यम से एलजी मनोज तक ये हमारी जो वीडियो जरूर पहुंचेगी। दर्शकों ये है जनता, हमारे जम्मू की जनता, फिर से बार बार कहते हैं जब भी जनता को परेशानी होगी मीडिया का कर्तव्य है उनकी बात को प्रशासन और सरकार तक लाना। कहते हैं गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। क्या लगता है इन हालातों को देखकर के वाकई सरकार नज़रअंदाज नहीं कर रही हमारी जनता को? ये वही जनता है जनाब जिनके टैक्सी से आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं, अपनी एसी रूम पर बैठते हैं, और ये वही जनता है जिनके वोटों से आपकी सरकारें बनती हैं। और अगर जनता अपनी करनी पर आ गई तो सरकारें गिराना भी जानती है। जब वायदा किया था जनता से मूल सुविधाएं देने का, गाँव की तो छोड़ी आज शहरों के लोग भी सड़कों पर है। इस समय रात के देखिए कितना टाइम हो चुका है और ये लोग बाहर घरों के घूम रहे हैं, बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, आखिर कहाँ जाएंगे, कब कौन करेगा इनका वायदा पूरा? अगर जनता बिल भी भरती है, आप वायदे भी करते हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही कहेंगे सर एक अच्छी छवि की, आप दिग्गज नेता हैं, आप अपनी बात पर कम से कम अगर करते हैं तो बात को इम्प्लीमेंट भी तो करवाइए। 8 घंटे के अंदर सिटी का कहा था आपने और ग्रामीण क्षेत्र का 48 घंटे का, ग्रामीण को तो छोड़िए 448 घंटे हो गए, ये लोग 17 दिन से लगातार यहाँ पर है, कहाँ है यहाँ के नुमाइंदे? सबसे बड़ा सवाल तो उनसे है कि जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इनके कॉरपोरेटर हैं, क्या उनका दायित्व नहीं बनता कि अपनी जनता के साथ इस समय खड़े होना, इनकी दुविधा को आगे लेके जाना और जल्द से जल्द इनके मसलों को हल करना? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या वोट इसीलिए देती है जनता कि आने वाले समय उनकी सुनवाई करने वाला या उनकी सुनवाई सुनने वाला कोई ना हो? चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या इसका असर होता है और कितनी जल्दी यहाँ के जो इनकी परेशानी है बिजली को लेकर के हल होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर से हम आएंगे अपनी जनता के मुद्दों को लेकर। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।